देश में फैले कोरोना महामारी के बीच भारत को इंजीनियर और डॉक्टर देने वाला राजस्थान का कोटा शहर अब राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने कोटा गए हजारों छात्र लॉकडाउन में वहीं अटक गए हैं। करीब 35,000 फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कड़वाहट पैदा हो गई है। दरअसल कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर चर्चा कुछ दिन पहले ही चल रही थी, लेकिन विवाद तब बढ़ना शुरू हुआ जब राजस्थान सरकार की ओर से इन छात्रों को अपने घर लौटने के लिए पास जारी किए जाने लगे। कुछ छात्र अपने गृह राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद बिहार सरकार ने केंद्र को तुरंत पत्र लिखकर कहा कि ये लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे छात्रों ने अपने घर लौटने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। कोटा में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद उन विद्यार्थियों को वहां से बाहर निकाल घर पहुंचाने की मांग उठने लगी। मामले को तूल पकड़ते देख राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने छात्रों को वहां से जाने की स्वीकृति देने को तैयार हो गई है। सीएम गहलोत ने कहा है कि कोटा में मौजूद छात्रों को संबंधित राज्य सरकार की सहमति पर उनके गृह राज्यों में भेजा जा सकता है। जैसा कि यूपी सरकार ने कोटा में रहने वाले छात्रों को वापस बुलाने के लिए कदम उठाए हैं, अन्य राज्य की सरकारें भी अपने यहाँ के छात्रों को बुला सकती हैं। राजस्थान सरकार की सहमति के बाद यूपी सरकार ने अपनी 300 बसें कोटा भेजकर वहाँ फंसे अपने राज्य के छात्रों को निकाल रही है। घर लौटने की अफरा तफरी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है। छात्र जैसे तैसे बस पर सवार होने लगे हैं, जिसको लेकर लॉकडाउन के उल्लंघन का एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी सरकार के कोटा बस भेजने के फैसले को लॉकडाउन का मखौल उड़ाना बताया है। आपको बता दें कि यूपी और बिहार के सबसे अधिक छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। मायावती ने कहा है कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफ़ी बसें कोटा राजस्थान भेजी हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार के नाम खुला पत्र लिखा है। पत्र में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं और साथ ही सरकार पर आरोप लगाए हैं कि प्रदेश के बाहर फंसे गरीब मजदूरों और छात्रों को सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया है। तेजस्वी ने सवाल ये भी किया है कि बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है, प्रवासी मजबूर मजदूर और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों। उन्होंने कहा कि छात्र सरकार से लगातार घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है, आखिर उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।